तीन सर सर कैसे हैं आप? धन्यवाद आदाब महाकाल धन्यवाद, भाई। बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ जी। कहिए जी महाकाल का भक्त भाई, आज की स्ट्रीम देखिए, 1% ऑथेंटिसिटी प्रूफ करना है और 50,000 आपको इनाम मिलेगा। जी। ऑथेंटिसिटी से मैं जानना चाहता हूँ कि आप, आपका कहने का मतलब क्या, आप वेद के श्लोकों को जो है वो प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं मुझे, या एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं? जी, मैं वेद के मैन्युस्क्रिप्ट देखना चाहता हूँ और उसका अनब्रेकेबल ओरल ओरल ट्रेडिशन का चेन देखना चाहता हूँ। ये दोनों से सिद्ध किया जा सकता है कि वेद ऑथेंटिक है या नहीं है। कोई भी बुक को परखने के लिए ये क्राइटेरिया फिट होते हैं। ये सारी स्कॉलर्स जो है दुनिया के, वो सबका मानना यही है। देखिए तो अगर हमारे आपके पास उसमें कोई तो मैन्युस्क्रिप्ट है, जी, जैसे हमारे उसमें है तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है चारों वेदों में, और सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली है वो ऋग्वेद की ही मिली है, वो भी यूनेस्को के थ्रू ऑलरेडी, मतलब ये प्रूफ किया जा चुका है कि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं यूनेस्को में। तो ऑब्वियसली आप 1% की बात कर रहे हैं, पर वेद वेद ऑथेंटिक ही हुए ना, अगर उसको एक ऐसी अथॉरिटी प्रूफ कर रही है जो कि मतलब यूनेस्को उसको मतलब ऑथराइज कर रही है। जी महाकाल का महाकाल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वेद कितने पुराने हैं आपके हिसाब से? देखिए, वेद तो ऐसा माना जाता है हमारे उसके हिसाब से कि वेद जब से दुनिया बनी है तब से वेद हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से गुजरा है। अब पेपर्स का आविष्कार अगर मान लीजिए कि दूसरी शताब्दी में हुआ हो या 20वीं शताब्दी में हुआ हो, एक्स वाई जेड किसी भी हुआ हो, तो वहां से जो है वो उसको हमने प्रिंटिंग करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले भी तो वेद थे, ये चीज है। वेद बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। ठीक है, तो मैं अब ये पूछ रहा हूँ कि भाई पहली बार वेद पेन डाउन कब हुए, कब पहली बार लिखे गए हैं? किसी पे तो लिखे गए होंगे, चमड़े पर, पत्थर पर, शिलालेख पर, या फिर पाम लीव्स पर, या फिर कपड़े पर, पेपर पर, किसी पर तो लिखे गए होंगे। ये पहली बार कब लिखे गए? ये पहली बार वेद व्यास के द्वारा ही लिखे गए हैं। कितने साल पहले? ये तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, बट मतलब ऑब्वियसली पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको हेल्प करता हूँ भाई। ये आपके स्कॉलर्स जी बोलते हैं कि वेद पहली बार 3,000 साल पहले, 3,500 साल और 3,000 साल के दरमियान में लिखे गए थे, पहली बार पेन डाउन हुए थे। ठीक है, देखिए और वो बताते, जो, मैं लेट मी जी जी कंप्लीट लेट मी कंप्लीट, ओ मैंने आपको श्योर इंटरप्ट श्योर नहीं किया। तो आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट ब्रदर, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा यस हूँ, मैं खुद जवाब दे रहा हूँ, हेल्पिंग आउट। तो आपके स्कॉलर्स बोलते हैं कि 3,500 और 3,000 साल के दरमियान में लिखे गए, किस पर लिखे गए? कुछ बोलते हैं चमड़े पर लिखे गए, ब्रिक बॉक्स पर लिखे गए, पत्तों पर लिखे गए हैं, शिलालेख पर लिखे गए हैं, पत्थर के ऊपर उसके ऊपर लिखे गए हैं। तो वो बोलते हैं कि इतने पुराने हैं, पहली बार ये पेन डाउन हुए थे। और यूनेस्को बोलता है कि हमारे पास ऋग्वेद के 30 मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं, ठीक है, थीके? और उनकी कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये सिर्फ 550-600 साल पुराने हैं। ठीक है। इससे पुराने हमें नहीं मिलते। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर वेद 3,000 साल पहले भी लिखे गए हैं, ठीक है, 3,000 साल पहले ले लीजिए, तो हम चाह रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, चलिए 5th, 5th सेंचुरी का भी अगर वेद आपके पास है, यानी कि 2500 साल पहले, 2,500 ईयर्स पहले के अगर आपके पास कुछ वेद के प्रमाण मिलते हैं, तो आप हमें बताइए, हम देखने के लिए और एग्री करने के लिए तैयार हैं। तो कोई प्रमाण आपको मिलता है कि ढाई देखिए हजार सर, साल पुराना? बिल्कुल जो यूनेस्को ने प्रूफ किया होगा वो आप दिखा दीजिएगा। मुझे तो ढूंढना पड़ेगा खैर, बट बात यह है कि क्या बोलते हैं, अगर आप इसे कह भी रहे हैं कि 500-600 साल पुराना है, इससे ज्यादा नहीं भी है, तो आप ये सोच के देखिए कि क्या बोलते हैं, महाभारत जो है, हमारी महाभारत जो है वो 5,000 साल पुरानी है, तो वेदव्यास उस टाइम के थे। तो ऑब्वियसली जब वेदव्यास 5,000 साल पुराने हैं और वेदव्यास ने अगर वेद लिखा है, तो वेद भी तो 5,000 साल पहले एक्चुअली में टेक्स्ट में आया होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में, आया चाहे हुआ, वो। ठीक, आई गॉट जी इट, जी आई गॉट योर पॉइंट। मैं, अब देखते हैं हम कि यूनेस्को क्या बोल रहा है ऋग्वेदा के बारे में, पढ़ते हैं हम। द ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट अमंग द फोर वेदास, इज द फाउंटेन सोर्स ऑफ द सो कॉल्ड आर्यन कल्चर इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन दैट स्प्रेड बियॉन्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एज वेल एज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया।
दिस वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हैज बीन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन इंडिया एंड हैंडेड डाउन ओवर सेंचुरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो ये यूनेस्को बोल रहा है कि ये इसके मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना प्रिजर्व किए गए हैं और ये पास ऑन किए गए हैं जनरेशन टू जनरेशन. जी तो आप मुझे एक मैन्युस्क्रिप्ट बताइए जो 2500 साल पुरानी है. बट इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है ना कि ये 500-600 साल पुरानी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है. यूनेस्को यूनेस्को बोलता है, देखिए आप, मैं बताता हूं आपको. जी जी दिखाइए। जी ये देखिएगा आप, यूनेस्को यूनेस्को का ही है ये, द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड्स रजिस्ट्रेशन. यहाँ पर लिखा है कि देर आर 30 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ऋग वेदा एट द इंस्टीट्यूट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी इंस्टीट्यूट कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक कश्मीर गुजरात एंड राजपुताना सेंट्रल प्रोविंसेस एक्सेट्रा. दे आर रिटन इन श्रद्धा एंड देवनागरी एंड देवनागरी विद पृष्ठ थमा मथुरा एंड द मटीरियल यूज फॉर राइटिंग इज द ब्रिक बॉक्स एज वेल एज द पेपर. The oldest of this manuscripts is dated 1464 AD. The oldest of the manuscripts is dated 1464 AD. इसका ये मतलब होता है कि 550 साल या 600 साल पुराने हैं. Okay. यूनेस्को यही बताता है. जी ठीक है, फिजिकल फॉर्मेट में ये 600 साल पुराने हैं, पर अगर हमारी संस्कृति को देखी जाए तो हमारी संस्कृति में कभी भी हम पेपर पे लिख करके नॉलेज ट्रांसफर नहीं किए हैं। अगर ऋषि मुनियों की परंपराओं को देखा जाए तो हमारा जो नॉलेज ट्रांसफर हुआ है वो वोकली हुआ है, हमने जो है वो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू नॉलेज को ट्रांसफर हुआ किया है. हुआ है जी जी हुआ तो है इसलिए मेरे भाई, फिजिकल कुछ हद तक फॉर्मेट में वेदों को. जी 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 कहिए आप. हुआ है, ओरल 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 भी हुआ है, कुछ समय के बाद आकर लिखना भी स्टार्ट किए. आप जो है ना अपनी अपना ज्ञान जो वेद का, वेद के बारे में आप जो भी पढ़े सीखे या सुने ना, आप बुक की शक्ल में लिए उसका ज्ञान, ठीक है, ओरली नहीं लिया. आप वेद का ज्ञान बुक पढ़े और ज्ञान लिए, राइट. तो जितने भी इंडिया में जो लोग हैं ना, 99% पीपल वेद का ज्ञान जो है ना किताब से लिए है. तो हम ये किताब जो लिखी गई है, ये कैसा गलत है आपका, ये पॉइंट गलत है आपका सर, क्योंकि आप बताइए करेक्ट कर गया. जी सर, बात ऐसा है कि हम लोग वेदों का ज्ञान जो है वो अभी किताब, अगर आप किताब की भी बात कर रहे हैं तो अभी ही किताब शुरू हुई है. इससे पहले अगर आप 10-20 साल पहले चले जाएं तो तब भी गुरुकुल था, गुरु परंपरा थी. तो बेसिकली जितने भी हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, वो गुरु परंपरा के थ्रू ही वेदों का ज्ञान ले रहे हैं. किताब फॉर्मेट में अवेलेबल है, बुक्स हैं उसके, लेकिन वो सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज किया जा रहा है. जी है मेरे भाई, मेरे भाई मैं मानता हूँ कि गुरुकुल भी है, मैं मानता हूँ ये चीज, गुरुकुल में भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पर वो भी पढ़ाई जो है ना, वो भी पढ़ाई जो है ना वेद की किताब होना जरूरी है रेफर करने के लिए कहीं ना कहीं. तो मैं आपको सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट है तो आप प्लीज प्रेजेंट करिए, इसके आगे फिर हम डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नहीं सर, बात वो नहीं थी, बात ये थी कि आप कह रहे हैं कि बिना बुक के हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप ये बताइए कि बिना किताबों के हमारा जो ज्ञान है वो वोकली चलता हुआ आ रहा है, मतलब वेद मेमोराइज्ड हैं, जो हमारे सप्त ऋषि थे उनको सारे वेद मेमोराइज थे और उनके थ्रू जो है वो गया है. आप अगर स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जो यूनेस्को बोल रहा है हमें वही मानना पड़ेगा. अगर किताब किताब के फॉर्मेट में या ब्रिक्स के फॉर्मेट में वो 500-600 साल पहले का मिला है तो ऑब्वियसली उस समय पे लिखा गया होगा, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, बट मैं इस चीज को कह रहा हूँ कि अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल पुराने हो सकते हैं, बट नॉलेज जो है वो इससे भी पहला, इससे भी पुराना है, बिकॉज वो डिफरेंट फॉर्मेट में ट्रांसफर होता हुआ है. क्योंकि देखिए सर, महाकाल मैं आपको समझ गया, आप ओरल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ओरल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट की बात होगी कि किताब की शक्ल में जब बनी है तो मैन्युस्क्रिप्ट भी होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि यूनेस्को यही बोल रहा है कि ये पास ऑन किए गए हैं जनरेशन टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो मैन्युस्क्रिप्ट बोल रहा है कि यूनेस्को के आपके पास है, पढ़े हुए है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किए गए हैं. अगर है तो प्लीज बताइए कहीं तो मिलेगी, आज तो डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं हम, कहीं ना कहीं फोटो, आपको फोटो मिलेगी. पुराना चाहिए आपको, कितना पुराना चाहिए? 2500 साल पुराना बता दीजिए. तो सर उस हिसाब से क्या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट बुक उतना पुराना आपको मिलेगा क्या? आप सोच के देखिए, क्या कुरान भी जो है वो मोहम्मद साहब के जमाने का है क्या? देखिए देखिए, जब मैं 2500 साल बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, जवाब देता हूँ महाकाल. मैं आपको क्या बोला,
कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो पहला आदमी लिखा है वेदा, मैं उसका प्रमाण नहीं पूछ रहा हूं। फर्स्ट सेंचुरी मतलब 100 साल के बाद पहली बार जब वेद लिखे, फॉर एग्जाम्पल आज 2023 में वेद लिखे गए हैं, ठीक है, तो मैं आज का प्रमाण नहीं पूछ रहा हूं, आज से 100 साल बाद। 100 साल का भी बात का प्रमाण बताएंगे तो एक्सेप्टेबल, 500 साल बाद का भी अगर प्रमाण बताएंगे तो एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है, बट आज से लेकर सर 500 साल के बाद। रुकिए रुकिए रुकिए, यहां पर आप बोल रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान बताओ, हम तो ये नहीं पूछ रहे हैं आपको कि पहली वेदा बताओ जब लिखी गई है, नहीं। ये सारे स्कॉलर्स का ओपिनियन है कि अगर फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी की अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं हमें, तो वो उसके ऊपर हम एग्री कर सकते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि चलिए थर्ड सेंचुरी नहीं, फिफ्थ सेंचुरी का भी बता दो, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। क्योंकि बाइबल के जो तौरात के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े बिट्स एंड पेपर्स इधर उधर, वो भी मिलते हैं, वो 2500 साल पुराने मिलते हैं, 2000 साल पुराने हैं, 1800 साल पुराने हैं, 1000 साल पुराने मिलते हैं उनके पास भी। तो आपसे मैं यही पूछ रहा हूं, अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, आप बोल दीजिए कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है। सर, हमारी संस्कृति में ऐसा रहा ही नहीं है कि हम पेपर पे लिख करके नॉलेज पास ऑन करते हो, तो कैसे पॉसिबल है कि वो हो भी सकता है? दिस इज अच्छा, नॉट मेरा जी एक जी आई सवाल है मीन सैम भाई। सैम भाई, जी इसका सवाल है जी मेरा। जी अमर भाई महाकाल भाई ने कहा कि महाभारत जो है कितनी देर पुरानी, महाभारत कितनी पुरानी है, इसका पांच सोर्स हजार क्या? पांच हजार 5000 साल साल। और व्यास जो है उससे पहले मौजूद, यानी वेद तो उससे पहले मौजूद थे, आप कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लिखी उसके बाद गई है, ऐसे ही है? लिखी उस हाँ लिखी उसी समय में गई है, लिखी उसी समय में गई है, वेदव्यास द्वारा ही लिखी गई है। नहीं, महाभारत के टाइम पे लिखी गई है या उसके बाद? नहीं, महाभारत के का देखिए, वेदव्यास महाभारत के समय में थे, जी जी पांडवों जी से मैं पहले समझ गया। थे, हाँ, तो नहीं, उन्होंने ही लिखा है सर। मेरा मतलब ये है, उसी समय में थे, महाभारत का जी एक समय है, वो हो गया तब लिखी गई है उससे पहले? अब एग्जैक्टली ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, चलें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी ये टाइम या आपने इसकी क्लियर कर जानकारी देना है, आप ऐसा आपने कहा कहिए कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ठीक ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, उसमें कोई मसला नहीं है। अब मैं महाभारत को लेके चल रहा हूँ ना, महाभारत को, ठीक है, उस समय के ऊपर वेद व्यास जो है वो लिखी, या उस टाइम पे लिखी जा रही थी, या उस आगे पीछे लिखी गई, ये एग्जैक्टली हम देख लेंगे। आपको दो असुर हैं जिनका महाभारत के अंदर जिक्र है, मादु और कैथाबा, पता है उनका? नहीं पता है जी सर, आप बता दीजिए। हाँ, मैं बता देता हूँ, आप कह रहे हैं रिटन फॉर्म के अंदर नहीं लिखी हुई थी, उससे पहले ओरल ट्रेडिशन था। ये दो असुर हैं जिनका जिक्र महाभारत के अंदर ही मिलता है, एक लेजेंडरी स्टोरी उन्होंने, और यकीनन मुझे इतना पता है कि महाभारत से पहले है, क्योंकि महाभारत में यादव जो क्लैन है उसका पूरी हिस्ट्री मिलती है, श्री कृष्णा का डिटेल पीछे जाता है। तो ये महाभारत के अंदर दो असुरों का जिक्र है, मादु और कैथाबा। इन दोनों ने पता है क्या किया था? ब्रह्मा से वेदास को छीन के ले गए थे, वेदास को ब्रह्मा से छीन के ले गए, और फिर विष्णु का जो मत्स्य अवतार था, फिश में एक घोड़ा है जिसका नाम बयान किया जाता है हयाग्रीवा। हयाग्रीवा जो है हयग्रीव घोड़े की शक्ल में विष्णु जी गए हैं और इन दो असुरों से वेदाज रिट्रीव करा के लाए हैं, रिट्रीव करा के। तो ओरल ट्रेडिशन की नफी हो गई, क्योंकि वेदाज स्टोल तभी की जा सकती हैं जब वो रिटन फॉर्म के अंदर हो, ओरल ट्रेडिशन को कभी स्टोल नहीं किया जा सकता, मेमोरी को स्टोल नहीं किया जा सकता, स्टील नहीं किया जा सकता। तो रिटन फॉर्म में थी, वो लेके चले गए, अब उसमें उसको रिट्रीव कराया गया विष्णु के जरिए। सवाल ये है कि जो रिट्रीव करा, वो जो ले गए असुर, वो क्या लेके गए थे, नंबर एक, और नंबर दो, जो रिट्रीव किया उसकी वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, ये है असल मसला, ठीक है मेरा भाई? तो आपने महाभारत का जिक्र किया, तो महाकाल भाई मैंने आपसे महाभारत की ही एक रेफरेंस रख के पूछ दिया, थैंक यू सो मच जी। मैं खुद ही कह रहा हूं कि वेद उससे जबरदस्त, पहले से है, ऐसा नहीं है कि वेदव्यास के टाइम पे ही वेद थे, उससे पहले भी ब्रह्मा ने जब महाकाल भाई, ओरल ट्रेडिशन, महाकाल भाई, मैंने महाकाल आपके भाई, ओरल ट्रेडिशन के आर्ग्यूमेंट को रिफ्यूट किया है, बेसिकली उसको मैंने नहीं, बम्बार्ड कर दिया है, क्योंकि स्टील एग्जैक्टली ओरल ठीक ट्रेडिशन है, नहीं किया जा सकता, बुक की जा सकती है फिजिकल आप फॉर्म में। स्टोल की थैंक यू, बात कर रहे थे ना, मुझे याद आ गया, वो स्टोरी मुझे याद आ गई, ठीक है, मुझे उस उन थैंक यू। राक्षसों का नाम याद नहीं था, बट मुझे एग्जैक्टली स्टोरी याद आ गई। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा से जो है वो फिजिकल फॉर्मेट में जो है वो वेद जो है वो स्टोल किया होगा, तभी ये पॉसिबल है जब वो फिजिकल फॉर्मेट में हो, तभी हो बट सकता है। जरूरी जरूरी नहीं है सर कि फिजिकल फॉर्मेट में ही चीजें, अब जैसे जो है वो वरदान दिए जाते थे, वरदान दे दिए जाते थे, तो वरदान भी तो दिया जाता था, तो वो कोई ऐसा महाभारत फिजिकल महाकाल फॉर्मेट में महाकाल तो नहीं महा होता था ना सर। महाकाल
महाकाल महाकाल महाकाल भाई, देखिए आपकी सोच कोई चुरा सकता है? देखिए मैं बता रहा हूं, नहीं, सिंपल वेद सिंपल चुराए। चीज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। आपका नाम जो है ना, आपके माता पिता ने जो नाम दिया है, आपके माता पिता का नाम आपके दिमाग में है, क्या इसको कोई चोरी कर लेके जा सकता है? अगर कोई चोरी कर लेके जाता है तो क्या आप अपने माता पिता का या आपका नाम भूल जाएंगे? नहीं नहीं ना, नहीं तो मेमोरी ऑब्वियसली कैन नॉट नहीं, बी स्टोलन। आमिर भाई वही बोले कि मेमोरी कैन नॉट बी स्टोलन। आप जो मेमोरी कैन मेमोराइज करते हैं कॉपी बाय कॉपी। कॉपी कर सकते, स्टोल नहीं कर सकते ना। देखिए आपका नाम महाकाल है, मुझे पता हो गया, ठीक है, आपका ओरिजिनल नाम भी महाकाल ही होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसको कुछ मैनिपुलेट थोड़ी करूंगा, आपके पास तो है ओरिजिनल, तो मेमोरी स्टोल नहीं हो सकती है भाई। आपका जो ओरल ट्रेडिशन है, ये स्टोल नहीं हो सकता है। कोई फिजिकल चीज है वही स्टोल हो सकती है, और उसके पीछे ही आदमी भागते हैं। फिजिकल चीज को चोरी की गई है तो उसके पीछे ही आदमी भागता है, जिस तरह से आपके देवता ने भागे हैं उनके पीछे, बचाने के लिए, वापस लाने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। समझे बिल्कुल महाकाल भाई? हाँ, मैं समझ गया, महाकाल भाई, इस लेकिन पर ना, इस पर चूंकि मैंने जब स्टोरी रखी थी उस वक्त आपने कहा कि आपके नॉलेज में नहीं था, मैं चाह रहा हूँ आप इसको एक बार फिर रिव्यू कर लें, थोड़ा सा मैं रिव्यू घूमें करना इसके बारे में, चाहूंगा देखें। जी, क्योंकि हाँ, हैगरी, हाँ, बिकॉज इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट भी है, बट आप जो कह रहे हैं दो वो तरह मैं दो वेरीफाई दो करना नरेटिव्स चाहूंगा। हैं, मैं आपको पहले बता दे, दो नरेटिव्स हैं। महाभारत का मैंने आपको बता दिया, एक और है श्रीमद भागवतम का या भागवत पुराण का। वो उसका नरेटिव ये नैरेटिव है कि डिफरेंट। उसका दूसरा नैरेटिव इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि हयग्रीवा जो है वो चोरी कर लेता है और विष्णु जी उसे छीनते हैं। ये इसके अंदर तत्बीक की जा सकती है, इसमें मैं तजाद को कोरिलेशन के जरिए हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर यह माना जा सकता है कि पहले जो माधु था और किताबा था, उन्होंने चोरी किया ब्रह्मा से, फिर वो जो घोड़ा नुमा जो अवतार था उसने उन दोनों से ले लिया और विष्णु ने घोड़े से ले लिया। इनके अंदर में कोरिलेशन हो सकता है, मगर जो एंड लाइन है, बॉटम लाइन है, वो ये है कि कोई भी चीज जब चोरी की जाती है, जिसको रिट्रीव करना हो, वो चीज फिजिकल फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म के अंदर मौजूद होगी जब किसी टीचिंग्स के बारे या किसी ज्ञान के बारे में कहा जा रहा होगा। अदरवाइज आइडियाज आर इन योर ब्रेन। अगर कोई उसको चोरी भी कर लेता है मिसाल के तौर पर, तो वो एक कॉपी होगी, दैट मीन्स आपके पास वो चीज। मगर जब रिट्रीव कराना होता है, दैट मीन्स कि एक ब्लूप्रिंट है या एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसको वो उठा के ले गए, जिसको रिट्रीव कराना जरूरी था। अब उसका कोई मैनुस्क्रिप्ट एग्जैक्टली आपके पास हो या जिसको हम कार्बन डेट कर सकें, ये बड़ा जरूरी है मेरा भाई। इस पर जरा गौर कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके।